हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रोगा सबनी के स्वागत बा। चलिए आज हरा भरा रोलो के चौलाई के साग के रेसिपी बताई, वो भी बिहारी स्टाइल में हमनी के कैसे बनाई ली जाए। तो ये चौलाई के साग कहाँ मिलेला, बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाला, जैसे रोगा मार्केट में भी ढूंढम तो मिल जाला। अच्छा, हमनी के खड़ी ओड़ी में खेत उत में ज़्यादातर ये अपने आप जम जाला, कोई कोई एक रह के बोएला भी। तो चलिए चौलाई के साग बनाए खातिर पहले अच्छा से साफ कर ले हम, तभी चौलाई के साग के काटम। तो चौलाई के साग जितना भी मुलायम रहेला, जैसे ये डंटल टाइट बा, तो एक रखे छोड़ के पत्ता के तोड़ लिया। अगर खेत में से रोगा काटा तनी तो आराम से एक रखे ऊपर वाला पर्सन के तोड़ ले हम, डंटी के छोड़ ले हम। तो चलिए पहले चौलाई के साग के अच्छा से हमनी के काट ले जाओ, कहे कि हमनी के साफ कर ले बन जा पहले ही। तो एक रखे डंटल छोड़ के पूरा चौलाई के साग के काट लिया। तो देखिए डंटल जगह मुलायम होके उतना दूर तक ले हमनी के काट ले हम जा, आई डंटल के छोड़ दे हम जा। देखिए तो हमनी के साग आराम से काट लेनी जा छोटा छोटा टुकड़ा में। लाल के साग जैसे लाल साग काटल जाला, उसी तरह चौलाई के साग भी काटल जाला। अब एक में मसाला के जरूरत नहीं है, ज़्यादा जरूरत एक में फोड़न पड़ेला, मतलब तड़का। तो चलिए अब बनावल जाओ। चलिए चौलाई साग बनाए खातिर वह कोई भी तेल के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जो तेल रुआ खाइला। तेल के अच्छा से गर्म हो जाए दे हम, तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दे हम जीरा, जीरा के हल्का सा लाल होके दे हम। तो इसमें डाल दें हम सूखी लाल मिर्च, रोवा चाहिए तो हरी मिर्च के भी इस्तेमाल कर सकते नहीं, लेकिन सूखी लाल मिर्च से क्या होकेला कि साग सोना लगेला। उसके बाद डाल दें हम कटा हुआ लहसुन, एक दो तीन कली कटा हुआ छोटा छोटा बारीक लहसुन। चलिए सब चीज़ लाल हो जाए तो इसमें डाल दें हम प्याज, अगर फोड़न अच्छा से लाल हो जाए तभी प्याज के इस्तेमाल करें, ताकि फोड़न में सोनापन हो जाए। साग में जब सोनापन हो जाए तो टेस्ट अलग होकेला। अब प्याज के भी हल्का सा लाल होके तकले हमनी के भुनम जा तेल में। अगर वह सरसों तेल नहीं सीखा तो कोई भी तेल के यूज कर सकता नहीं। एक रख हल्का सा प्याज के लाल होके दे हम, तभी साग के डालम, ताकि प्याज में भी सोनापन आ जाए। ये चौलाई के साग ऐसा है कि थोड़ा सा सोना सोना लगेगा। तो अच्छी तरीके से प्याज के हम फ्राई कर ले हम, प्याज के हल्का लाल हो गएगा। अब एक में डाल दे हम हमनी के चौलाई के साग, चौलाई के साग डाल के एक में नमक नीचे डाले के, जब तक ले चौलाई आधा गल ना जाए। उससे क्या होगी कि स्वाद के रोज से अंदाज पड़ता चले कि कितना नमक डाले के बाद। तो पहले हम बिना नमक के एक से चौलाई के साग के आधा गला दें। हाँ, इसमें केवल हल्दी पाउडर पड़ी, तो हल्दी पाउडर डाल के एक के 10 मिनट तक ले धक धक देवे के बाद। चलिए अब इसमें डाल दें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा ना थोड़ा सा, कहे कि साग में कोई ज़रूरी ज़्यादा ना रहे, लेकिन थोड़ा सा हल्दी डाल दिया ला। उसके बाद अच्छी तरीका से एक रखे मिक्स करके और चौलाई के साग के ढक दिया। जब तक ये आधा हो जाए गल के, तो समझ जाए कि रहा चौलाई के साग के अंदाज पता चल गए, तब स्वाद अनुसार नमक डालल जाए। अभी डाल दें हम, तब नमक के अंदाज ना पड़े। देख रहे पहले हमने के ढक दिया चला के, और उसके बाद देखल जाए चौलाई के साग। चलिए तो साग हमनी के आधा गल गई बा, ढक के एक के खोल खोल के पकावल गई बा, तो ये आधा गल गई बा। अब एक में नमक डालल जाए, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अब कुछ देर तक ले पकावल जाए, तो और ज़्यादा ये गल जाए, ज़्यादा नमक ना कहे कि और अभी ये गले। एक के ढक ढक के फिर से हमनी के पकाए के बाद, जितने एक के ढक ढक के पकाई उतने ही साग गलते जाए। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके एक रखे ढक देवे के बाद। देखिए तो नमक डालते ही साग में से अच्छा खासा पानी छोड़ देला। अब इसी पानी से ये साग अच्छी तरह से पक जाए। अब जब भी रोल अगर डंटी भी काट देले होकम, तो उठा के इस तरीका से मसल के देखम, डंटी अगर पक जाए तो साग राव तैयार हो जाएगा। इसी तरीका से अगर साग बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, एक में मसाला के ज़रूरत ना पड़ेगा। अब 5 से 10 मिनट में एक के पानी अच्छी तरीके से सुखा के उतार देवे के बाद, ताकि हमनी के सोना हो जाए। अगर पानी ना सूखी तो ये अच्छा स्वाद ना दी। अब पानी सूख जाए तो एक स्वाद अच्छा हो जाए। तो चलाते हुए ऐसे दबा दबा के चौलाई के जितने दबाए उतने अच्छा ज़्यादा स्वाद दी, और चटनी के तरह ये गल जाए। इस तरीके से चलाते हुए साग के पका लेवे के बाद, देखिए तो हमने के साग बन के तैयार हो गया, पानी भी अच्छा से सूख गई बा। अब गैस के बंद करके निकाल पानी। अब इस साग के रुआ चावल दाल के साथ, चाहे चावल के साथ आराम से खा सकता नहीं। तो देखिए हमने के साग बन के रेडी हो गए। तो साग की रेसिपी कैसा लगल चौलाई के साग के कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर वो